Hi everyone, this is Ashish Bajpai और आप मुझे देख रहे हैं चैनल ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स में। तो आज का ये लेक्चर मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि क्लास 11th में अब जा रहे हैं, क्लास 10 से क्लास 11th की तरफ जा रहे हैं एंड दे वांट टू स्टडी फिजिक्स। ठीक है, तो ये सारे बच्चे जो बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे या फिर नीट की प्रिपरेशन करेंगे या फिर जी में जी एडवांस बीट सेट किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और जहाँ पे फिजिक्स के रिक्वायरमेंट है वहाँ पर सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें आनी चाहिए दैट इज़ मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में जितना भी आप पढ़ने वाले हैं उसमें मैथ्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको मैथ्स ही नहीं आएगी तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैरी दिस कोर्स। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो फेल होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो नीट के होते हैं उनके फिजिक्स की वजह से उनकी रैंक नहीं आ पाती है। फिर केमिस्ट्री अच्छा कर लेते हैं, याद कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है, और साथ में बायो भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स उनको समझ में नहीं आती। बहुत सारे बच्चों के आप जेई मेंस में जब नंबर देखते हैं आप देखते कट ऑफ कितना लो जा रहा है, जैसे कि अभी जनरल का कट ऑफ आपने देखा कि 74 मार्क्स गया, कुछ साल पहले तक 115 जाता था। तो ये जो लो वैल्यू है, आप फिजिक्स के मार्क्स देखेंगे तो फिजिक्स के मार्क्स बच्चों के कम रहते हो, काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों की, क्योंकि उनके जो बेसिक्स होते हैं मैथ के वो अच्छे नहीं होते। ठीक है, और जैसे कि हमारा कोर्स कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो भी क्लास 12th में जाके मैथ्स में कैलकुलस वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन जो फिजिक्स होती है उसमें कैलकुलस आपके फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू हो जाती है। तो आप कैसे कोप अप करेंगे उसके साथ, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। इसीलिए अगर आप बुक के हिसाब से चलेंगे और आप कोशिश करेंगे कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आने वाले, बिकॉज अगर आपको उसका बेस ही नहीं पता, आपको उसकी मैथ ही नहीं पता है जिसके बेसिक्स पे जो है फिजिक्स की पूरी आप फाउंडेशन खड़ी करने वाले हैं, अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है कि क्या मैथ्स में यूज़ हो रहा है, आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है गाइज, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें, बहुत डिटेल में समझें मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलने वाला है मैथ्स पढ़ने का, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा समय निकाल के मेरे चैनल में आए, कहीं पर भी आप पढ़ें, ये पॉइंट नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़ें या किसी से भी पढ़ें, लेकिन आप मैथ्स में ज़रूर कुछ अच्छा करने, ये मत सोचिए कि मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा मैथ्स को पढ़ के। देखिए, आपको फिजिक्स नहीं आएगी, तो जो भी आपने अपने ड्रीम्स अपने लिए बना रखे हैं फिर वो आपके लिए एक सपना ही रह सकता है। ठीक है गाइस, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि कितना इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स आपके लिए और फिजिक्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कुछ बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊँगा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री वो एक चीज़ है जो अभी आपने 10th में पढ़ी है तो उसको रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि उसका यूज़ फिजिक्स में किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स जो यूज़ होते हैं फुल फिजिक्स के कोर्स में अक्रॉस क्लास 11th एंड 12th। लेकिन अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेशन फील होगा, देन द क्लासेस विल कंटिन्यू, अदरवाइज देर बी इंटरमिटेंट, कभी आऊँगा कभी नहीं आऊँगा बिकॉज आई हैव ऑल्सो लॉट ऑफ वर्क। तो अगर आप मुझे अच्छे से प्यार देंगे, पसंद करेंगे लेक्चर्स को, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मांगेंगे लेक्चर्स को, तो मुझे भी एक मोटिवेशन होगा कि यार स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। ठीक है गाइस, तो समझ गए आप, और जो भी स्टूडेंट इस समय जेई का दे रहे हैं एग्ज़ाम्स, मैं उनको बता दूं जेई एडवांस का कोर्स आजकल अनअकैडमी में मेरा चल रहा है, जहाँ पे कैलकुलस पार्ट 1, एलजेब्रा पार्ट 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री ऑलरेडी हो गया है, और आज आपको मिलने वाला है कैलकुलस पार्ट 2 का। तो आपको पता है कि लास्ट 1.5 मंथ से लगातार क्रैश कोर्सेज में बना रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा आने के लिए। इट विल डिपेंड अपॉन कि आप लोग कैसा देखते हैं, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं आज, उनको मैं बता दूं कि आपको केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स मिलेंगे इस चैनल के अंदर, और साथ में आपको मैथ्स के लेक्चर जो मिलने वाले हैं वो अनअकैडमी में, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। ठीक है गाइस, वहाँ पर भी मैंने बहुत डिटेल में जो है लेक्चर्स बनाए हुए हैं,
यहाँ पर देखिए मेरा मोटो ये है कि आप अगर बिना कोचिंग के भी करना चाहते हैं तैयारी तो आप इजिली कर सके। आपको मैं हर एक वो बात बताऊंगा विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है गाइस। तो चलिए, लेकिन आपको देखिए जैसे आपको अगर किसी चीज़ का इलाज कराना होता है तो आपको डॉक्टर पर भरोसा करना पड़ता है। तो अगर आपको भरोसा नहीं है, अगर आप टाइम नहीं डिवोट करेंगे, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ टेस्ट ऑफ पेशेंस। मैं स्टूडेंट से कहता हूँ ये पेशेंस का भी टेस्ट है। एक दिन में चीज़ें नहीं आएंगी, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन इज मस्ट गाइस। अगर आप रिवीजन नहीं कर, कोई भी एक बुक ले लीजिए, जैसे फिजिक्स में अगर मैं बोलूँ आपसे एससी वर्मा ले लीजिए, तो आप उसको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़िए और प्रॉब्लम्स आप एससी वर्मा से सॉल्व करिए, ठीक है गाइस। तो बहुत मटेरियल है, ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश मत करें, नहीं तो आपका कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। आप एक बुक पकड़िए और उसको 6-7 टाइम सॉल्व करिए अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट में। ये मेरी बात आप याद रखिए, आपके नंबर कभी भी गंदे नहीं आएंगे। आप इस समय अपने अगल बगल देख सकते हैं बच्चों के जो रिजल्ट्स आए, दे आर नॉट अप टू द पार। वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट द बिजनेस, ठीक है गाइस। तो बहुत सारी बातें हो गई आई होप। और एक और है कि रिवीजन के लिए अच्छे नोट्स का बनाना जरूरी है, इसलिए पेन रखिए अपने साथ, कॉपीज रखिए और कॉपीज जो है अलग अलग टॉपिक वाइज बनाइए आप, जिससे आप इजिली कोई भी कॉपी को निकाल सके और उसको स्टडी कर सके, रैदर दैन आप हैफजार्ड वे में मत करिए। देखिए अगर आप प्लान नहीं करते इसका मतलब यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी अगले 2 साल की। एक एक स्टेप आपको प्लान करना पड़ेगा, एक एक वीक की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप रेडी हैं इस सब प्लानिंग के लिए तो आप जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि कंपटीशन लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप कट ऑफ्स देखते हैं, आप स्कोर्स देखते हैं बच्चों के, तो आपको पता चलता है कि कुछ कट ऑफ कुछ है ही नहीं, कुछ कंपटीशन है ही नहीं। बस मुझे अपने से अच्छा करना है, मुझे अपना 100% देना है, मुझे फुली डिवोट हो जाना है 2 साल के लिए पढ़ाई में। अगर आप ऐसा कर पाए, ठीक है, आपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को अगर छोड़ दिया और आप लग गए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है गाइस। तो आप शुरू करते हैं हम लोग, तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हम फिजिक्स के लिए स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल गाइस, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ABC ट्राइंगल, ठीक है। इसको एंगल थीटा मैं बोल देता हूँ और इसको मैं अल्फा एंगल बोल देता हूँ, ठीक है। और ये 90 डिग्री, इट इज राइट एंगल डैट बी बोला जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल डैट बी। अब देखिए यहाँ पर ये जो साइड है, इस थीटा के रेफरेंस में अगर इस साइड को बोलूँ तो मैं इसको अपोजिट साइड बोलता हूँ, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आप परपेंडिकुलर पढ़े होंगे लेकिन मैं ऐसा नहीं फॉलो करता हूँ, बिकॉज दिस गिव्स सम इम्पॉर्टेंट इनसाइट्स कि जो थीटा के सामने वाली साइड है दैट इज अपोजिट। फिर से देखिए, अगर मुझे ये थीटा निकालना होगा तो मैं उसके सामने वाली साइड को अपोजिट साइड बोलूंगा, एंड द साइड विच इज जिसके साथ वो एंगल बना रहा है, देखिए वाली साइड, देखिए एक तो हाइपोटेन्यूज यू मस्ट बी नोइंग कि 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसको गाइस, हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज साइड है, जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट, दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। और जो एंगल के साथ, थीटा के साथ जो साइड जुड़ी हुई है वो एडजेसेंट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अगर मैं अल्फा के रेफरेंस में बोलूं, बिकॉज अगर थीटा कोई एंगल है तो अल्फा भी एक एंगल है, तो अगर मैं अल्फा के रेफरेंस में बोलूं तो साइड ए भी एडजेसेंट नहीं होगी, तब साइड ए भी अपोजिट कहलाएगी, क्लियर है। तो थीटा के रेफरेंस में जो अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझिए, थीटा के सामने वाली साइड दैट इज BC that will be known as opposite, ठीक है। और hypotenuse will always remain the same, that is AC, और adjacent is what? Adjacent is AB. तो ये तीन बातें आपने लिख ली। अब देखिए अगला जो है अल्फा, अल्फा एंगल के रेफरेंस में अगर मैं पूछूं आपसे कि अपोजिट साइड कौन सी है अल्फा के रेफरेंस में, देन AB becomes, इसीलिए ये मायने नहीं रखता है
कि हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर, यहाँ हम कुछ लिख ही नहीं सकते, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये केवल फिक्स है गाइस। तो अल्फा के सामने जो साइड है दैट इज अपोजिट ए बी, और अल्फा से जुड़ी हुई जो छोटी साइड है दैट इज बी सी, दैट इज एडजेसेंट, एंड हाइपोटेन्यूज इज वॉट, दैट इज ए सी, दिस इज फिक्स। तो ये आपने एंगल निकालना सीखी है, ठीक है। ये फर्स्ट थिंग है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपसे कोई बोलता अपोजिट साइड बताइए, तो आपको एंगल के रेफरेंस में ही आप बता सकते हैं कि थीटा के अपोजिट वाली साइड जो है क्या है, बी सी, दैट इज अपोजिट, ठीक। और अल्फा के सामने वाली साइड ए बी, वो उसके रेफरेंस में अपोजिट है, थीटा के रेफरेंस में ये एडजेसेंट है, अल्फा के रेफरेंस में ये एडजेसेंट है, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखें, अभी आपको समझ में आएगा ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। अब देखें, सोकाटोवा, ठीक है, ये याद रखना आपको, सोकाटोवा, ठीक है, एक इंडियन प्रिंसेस थी जिसका नाम था सोकाटोवा, उसके हेल्प से हम लोग याद कर लेंगे। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो का यानी कि कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन थीटा दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हुआ आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या हुआ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा क्या हुआ आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा लिखिए आप, तो क्या लिखेंगे यहां पर देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट साइड थीटा के रेफरेंस में आपको लिखनी है, तो दैट क्या हो जाएगा, वो बी सी बाई ए सी, क्या हो जाएगा गाइस, बी सी बाई ए सी। फिर cos थीटा अगर मुझे लिखना हो तो क्या हो जाएगा बताइए, AB upon AC, AB upon AC। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बोलिए क्या हो जाएगा, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट BC upon AB। तो ये सभी को आता होगा, आता है लेकिन रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, ये बात इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको, जितना भी आता हो रिवाइज करना इट्स नेसेसरी। साइन अल्फा लिखना है बताइए क्या लिखा जाए, अब साइन अल्फा जब लिखेंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अल्फा के सामने वाली साइड है दैट इज ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो ए सी है, और देखिए यहां पर कॉस अल्फा लिखना हो तो क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी अपॉन, ए बी नहीं है, क्या है देखिए यहां पर बी सी, BC upon AC, and tan alpha. Tan alpha is what? Tan alpha is adjacent. देखिए यहाँ पर क्या? Opposite upon adjacent. तो opposite is what? AB upon BC. AB upon BC. ठीक है? तो बस आपने sin लिख लिया, cos लिख लिया, tan लिख लिया. आपने साइन अल्फा लिख लिया, कॉस अल्फा लिख लिया, टैन अल्फा लिख लिया, तो इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल, किस साइड के किस थीटा के रेफरेंस में आप साइन, ऐसा नहीं कि साइन इज फिक्स, ठीक है, साइन डिपेंड करता है कि आपका अपोजिट क्या है और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है। तो क्लियर है बातें। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रब कर देता हूं मैं, इतना आप समझ गए कि अब इसके बाद हम यहां पर सीखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन होता है, ठीक है गाइस। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में अब हम लोग यहाँ पर रिलेशन देखेंगे और थोड़ी और भी बातें यहाँ पर सीखेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए। तो मैं आपको, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, एंड फ्रॉम दैट बेसिक थिंग, लेकिन आपको बने रहना होगा, साथ में बने रहेंगे तो हम हाईएस्ट लेवल तक जाने वाले हैं, जिससे कि आप एग्जाम्स को निकाल पाएं। लेकिन शुरुआत हमेशा बहुत छोटी चीज़ से होती है, और हर एक आपका कदम जो है क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बिकॉज यहीं से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, यही स्टार्टिंग पॉइंट है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, ए बी स्क्वायर
plus AC square plus BC square upon AC square is equal to 1. कर दिया. अब देखिए AB by AC क्या है? AB by AC देखो, AB by AC is sin alpha, है ना? Opposite upon hypotenuse, this is sin square alpha. कोई एक स्टूडेंट अब यहां पर बोल सकता है, देखिए ये आपका एक्सपेक्टेड है यहां पर, जस्ट डोंट गो बाय व्हाट आई से. कोई स्टूडेंट बोल सकता है सर AB by AC तो cos थीटा भी होता है, तो बोलिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पुट हियर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये अल्फा है और ये थीटा है, अलग अलग एंगल से हो सकता है, ठीक है? अब यहां देखिए BC by AC यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है? अब यहां देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको? BC by AC थीटा के रेफरेंस में अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, इसलिए इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा. समझ में आया? तो अब आपने क्या देखा कि थीटा अल्फा कुछ भी हो, अब देखिए जब थीटा को अल्फा से रिप्लेस कर देते हैं तब भी ये 1 आता है, और अल्फा को मैं थीटा रख दूं तब भी 1 आता है, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी बोल रहे हैं. यानी हर थीटा और अल्फा के लिए ये क्या है, ये वैलिड है. हर थीटा और हर अल्फा के लिए ये वैलिड है. यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, या मैं यहाँ बीटा भी रख दूं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 होगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइडेंटिटी, ठीक है? अब देखिए कुछ और बातें सीख लेते हैं हम लोग, कि जो साइन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा. टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा, और सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉस थीटा, ठीक है? कॉस बताया आपको, कॉस सीख लो यहां से, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक? तो ये तीन और चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, और ये याद रखना पड़ेगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब देखिए यहीं पर हम क्या काम करने वाले हैं, अब आपने ये सीख लिया. अब एक और बात देखिए आप यहाँ पर, कि साइन थीटा, हमने बताया आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बताया ना? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बताया आपको एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा बताया आपको अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है? ऐसा बोला. अब आप देखिए साइन कॉस और टैन में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है? अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं, ऐसे डिवाइड कर दूं, ठीक है? तो ये देखो रेसिप्रोकल हो गया, ऊपर पहुंच जाता है इस तरीके से, कैंसिल हो गया, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ गया. ये साइन है, ये क्या है, कॉस है, दोनों साइन अपॉन कॉस किया तो ये देखो टैन बन गया. इसलिए एक फॉर्मूला यहां से आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है? तो अब देखिए फिजिक्स में कैसे इसका यूज होगा, अब ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. अब यहाँ देखिए इसको रब कर रहा हूँ मैं, अब सीखिए आप. तो ये आज यहाँ तक ही हम सीखेंगे कि किस तरीके से साइन और कॉस का हम यूज करते हैं. तो फिर हम, तो देखिए मान लीजिए लाइन आपको, इस लाइन की लेंथ आपको 5 दी गई. क्या दी गई है? 5. क्या दी गई गाइस? 5 दी गई है, और ये थीटा दिया गया है. अब मान लीजिए आपको दो बातें यहां पर पता है, एक एंगल आपको पता है और एक हाइपोटेन्यूज आपको पता है. ऐसा कई बार फिजिक्स में होगा कि आपको हाइपोटेन्यूज पता होगी और आपको एंगल पता होगा. आपको कभी ये एंगल पता हो सकता है, कभी ये एंगल पता हो सकता है, और आपको जरूरत होगी ए बी और बी सी की. तो अब मैं आपसे पूछा जाए आपसे
कि आप बताइए कि ए बी की क्या वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड हाइपोटेन्यूज, इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड हाइपोटेन्यूज, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी सी इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड हाइपोटेन्यूज, इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड हाइपोटेन्यूज, इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, इसी तरीके से ए बी भी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड हाइपोटेन्यूज, एंड इन टर्म्स ऑफ बी सी क्या होगा हमारा अल्फा एंड हाइपोटेन्यूज में। तो देखिए, अब आप सोचिए, आपको ए बी निकालना है, आपको थीटा पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो अब आप सोचिए थीटा एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज को जोड़ने वाला कौन सा एंगल है, क्या मैं बोल रहा हूँ समझिए आप, थीटा हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट को जोड़ने वाला कौन सा फॉर्मूला है, तो देखिए का याद आएगा आपको, का कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, तो कॉस थीटा क्या हुआ यहां पर, ए बी पता करना है, ए सी ही 5 है, तो देखिए अब कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी पता करना है, उसको ऐसे लिखा हो, ए सी 5 है, तो ए बी क्या हो गया 5 कॉस थीटा, ए बी क्या हो गया 5 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अब देखो अगर मैं लिखूं कॉस थीटा तो आ जाना चाहिए फिर से कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा क्या है एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, देखो कट के कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसका मतलब सही है, यानी कि अब मुझे देखिए इतना सब करना नहीं होगा फिजिक्स में, बार बार हम इतना सब नहीं करेंगे, हम जैसे ही देखें कि यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पे थीटा लिखा और ए बी चाहिए, तो हम फटाक से 5 कॉस थीटा लिखते हैं, ऐसा आपको लगभग सभी चैप्टर्स में फिजिक्स के करना होगा, अगर आप सोचिए कॉस थीटा में ही इतना कंफ्यूज रहेंगे और ये छोटी छोटी बातें आप अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तो आप समय वेस्ट करेंगे, आप एक भी स्टेप आपका गलत हो गया, यू आर गॉन, ठीक है। अब इसको देखें, अब आप मुझे बताइए जो कॉस थीटा था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 5, अब यहीं से ब्रेन आपका डेवलप होता है, और साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन, देखिए कॉस थीटा क्या था, फिर से समझिए, आई थिंक मे बी फास्ट हो जाएगा, cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse और sin theta is equal to क्या होता है opposite upon hypotenuse, ठीक। तो अब देखिए जब adjacent निकालना था तो hypotenuse into cos theta हो गया, hypotenuse था 5, अब मैं opposite निकालना होगा तो क्या हो जाएगा hypotenuse into sin theta, यानी कि ये side अगर हमें चाहिए तो that is 5 cos theta, 5 cos theta है 5 sin theta, क्या होगा 5 साइन थीटा, ठीक है। तो समझें आप कि अगर आपको एक हाइपोटेन्यूज दिया है और थीटा दिया है और आप एडजेसेंट साइड चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस के फॉर्मूले में एडजेसेंट होता है, तो वहां से 5 कॉस थीटा आएगा। अगर मुझको पता है कि सामने वाले एंगल मालूम है तो अपोजिट साइड को चाहिए इन रेफरेंस टू हाइपोटेन्यूज, तो फिर हम यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे। अब आप मुझको बताइए कि अल्फा के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे, अल्फा के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे इसको, 5 इस बीसी को अल्फा के टर्म्स में क्या लिखेंगे, तो देखिए आप पहले सोचिए कि बीसी अपोजिट है या एडजेसेंट है अल्फा के टर्म्स में, तो अल्फा के टर्म्स में आप देखते हैं कि बीसी जो है वो क्या है, क्या है एडजेसेंट, तो यहाँ पे बस आप हाइपोटेन्यूज लिखें और कॉस लिखते हैं, सेम ही साइड है, अगर इसको हम 5 साइन थीटा बोल रहे हैं तो इस एंगल के टर्म्स में हम इसको 5 कॉस अल्फा बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये हम इसको 5 कॉस थीटा बोल रहे हैं तो इस एंगल के टर्म्स में हम इसको क्या बोलेंगे गाइस, 5 साइन अल्फा, क्लियर है। तो ये फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है हमारी, यानी हमें कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये हमको अल्फा एंगल दिया है, ये ए साइड है, और आपको भी पता होना चाहिए कि वर्टिसेस के अपोजिट जो साइड लिखी जाती है उसको स्मॉल ए से लिखते हैं, बी के स्मॉल बी, और ये इसको हम लोग क्या बोल देते हैं सी, तो दिस इज स्मॉल सी, ठीक है। अब मान लीजिए हमको B
बी नहीं पता है, ए पता है और ये दोनों एंगल पता है, ठीक है, थीटा पता है और अल्फा पता है, हमें बाकी की साइड्स निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे हाइपोटेन्यूज को। तो आप देखिए कि एडजेसेंट आपको पता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या, कॉस अल्फा इज व्हाट, एडजेसेंट यानी कि बी सी अपॉन ए सी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी पता है कि नहीं पता है, बी सी पता है, ए तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी निकालना होगा, तो ए बाई कॉस अल्फा और वन अपॉन कॉस अल्फा क्या होता गाइस, ए सेक अल्फा। तो यानी कि जब ये पता होता था तो ए कॉस अल्फा होता था, अब ये पता होगा तो ये ए सेक अल्फा, इसका अपोजिट हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपको अगर ये पता है तो ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए टैन होता है टैन थीटा, टैन अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो बी सी ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए टैन अल्फा, क्या हो जाएगा गाइस, ए टैन अल्फा। अब इसी को अगर हमें थीटा के टर्म्स में लिखना हो इस साइड को विद रेफरेंस टू दिस, तो क्या हो जाएगा, देखो टैन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, आपको ये सब प्रैक्टिस करनी है, खुद से सोचना है, केवल आप सीख ले कि साइन थीटा हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया, उसका आप अप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, आप दिमाग लगा के खुद ही हर एक एक साइड दे दीजिए, एक एंगल दीजिए और सब निकालने की कोशिश करिए, ठीक है, सब करना पड़ेगा आपको, तभी आप अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, ए बी, तो अब देखिए ए बी और बी सी मेरा क्या है, ए, तो ए बी क्या है, ए बी क्या दिया है, ए बी निकालना है, ठीक है, और ये टैन थीटा आ गया, तो अपॉन में आ गया टैन थीटा, तो ए अपॉन टैन थीटा क्या हो गया गाइस, कॉट थीटा, तो देखो ये क्या हो गया, ए कॉट थीटा, तो सेम ही साइड है यहाँ पर, ए टैन अल्फा इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, ठीक है, समझ में आया आपको, फिर से आप देख लीजिए, टैन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ए बी यहाँ चला गया, बी सी अपॉन tan थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया, cot थीटा, ठीक, तो ये आपने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ से भी काफी रिलेशंस और आ जाते हैं, जैसे कि अब मैं बोलूं कि AB इज इक्वल टू, AB इज इक्वल टू क्या हो गया, A tan अल्फा ऑल्सो A cot थीटा, अब देखिए तीनों चीजें बराबर, A कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू cot थीटा, बराबर हो गए। अब बताइए थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो यहां पर हम रख दें अगर, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये भी फॉर्मूला हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि टैन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, इसी तरीके से आप प्रूफ करिए, आज का आपका असाइनमेंट है कि प्रूफ करिए कि साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, जैसे अभी मैंने किया, इसी तरीके से आप प्रूफ करिए कि सेक अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस अल्फा होता है, ठीक है, प्रूफ करेंगे आप, जैसे अभी मैंने टैन और कॉट प्रूफ किया, इस तरीके से आप साइन और कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन निकालिए, सेक और कॉसेक अल्फा में भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आप निकालिए, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है, ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है, इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा है, ठीक है, और एक ये मान लीजिए ऐसे कुछ ब्लॉक रखा हुआ है, और उसमें एक हमें ऐसे दिया गया एम जी, ठीक, ऐसे क्या दिया गया है, एम जी दिया गया है। अब मुझे ये कंपोनेंट चाहिए और ये चाहिए, इसके रेफरेंस में, इस थीटा के रेफरेंस और एम जी कुछ तो है, ठीक
ठीक है, फोर्स वगैरह है वो आपने कुछ कुछ तो पढ़ भी रखा होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि इस थीटा के रेफरेंस में मैं इस एम जी और थीटा की मदद से ये निकालना चाहता हूँ और ये निकालना चाहता हूँ, तो ये कैसे करेंगे? और ये देखिए इसके रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उसको देखते ही काफ़ी बच्चे जो है नहीं कर पाते और एग्जाम्स में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पर, समझिएगा आप बात को, फिर आगे मैं नहीं बताऊंगा ये सब चीज़ें, आपको आज बहुत इम्पोर्टेंट ये सीखना है, मैथ फिजिक्स भी चल रही है साथ में मैथ के। देखिए अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये थीटा है और ये क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या एंगल हुआ, ये एंगल बताइए आप क्या हुआ, 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल देखिए आप पूरा 90 है कि नहीं, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 हुआ, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज थीटा, तो इतना आपने कर लिया। ठीक, अब रख कर देता हूँ, आप समझ गए, फिर से मैं बता देता हूँ आपको, दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 है और ये क्या है 90 माइनस थीटा, अगर इतना 90 माइनस थीटा है तो इतना क्या हुआ थीटा, बिकॉज ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। ठीक, अब हमें क्या क्या पता है, हम उसके रेफरेंस में चीज़ों को निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसा एक फिगर बन गया है कि ये इसकी लेंथ, इस साइड की लेंथ एम जी है, एक ऐसे आ रहा है, इसको हमें पता करना है। ठीक है, ये एंगल थीटा है और एक इससे 90 डिग्री ये आ रहा है, इस वाले से 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर मैं इससे 90 डिग्री ऐसे खींचूं तो इसके पैरेलल होगा और इसको ऐसे मिला दूं तो ये साइड एम जी बन जाती है, ट्रायंगल अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये साइड एम जी बन जाती है। अब आप देखिए थीटा के सामने वाली साइड ही ये साइड होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम जैसा मैंने कंप्लीट कर लिया इसको, ठीक, ऐसे थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वही ये कंपोनेंट होगा, ये वाला, और जो इससे एडजेसेंट है वो, तो अभी जो हमने सीखा कि ये अगर एम जी है जो तो जो थीटा के साथ जुड़ा हुआ है दैट इज एम जी कॉस थीटा, एम जी के साथ जो थीटा एंगल जुड़ी हुई साइड है उसको क्या बोलेंगे हम, एम जी कॉस थीटा। अभी मैंने बताया था आपको कि डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, क्योंकि ये है एम जी साइन थीटा। तो जब आप जाते हैं, जब आप किसी भी कोचिंग में स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को, तो व्हाट हैपेंस, दे विल नॉट टेल यू दिस, दे विल राइट हियर थीटा एंड दे विल डेफिनेटली राइट हियर थीटा एंड दैट विल बी एम जी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाता है एम जी साइन थीटा। तो ये बात आप अच्छे से सीख गए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं कि वो कोटा चले जाएंगे या किसी बड़ी कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। गाइज ऐसा नहीं है, 100% आपका ही हार्डवर्क है, कोई भी टीचर आपको एक डायरेक्शन देने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आप इस जगह पहुंच जाएंगे, हाँ हो सकता है वहाँ अच्छा कंपटीशन मिले, अच्छा ऐसा नहीं कि वहाँ जितने स्टूडेंट जाते हैं उन सभी का हो जाता है, बहुत बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं और बहुत डेस्परेट फील करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि क्लास की साइजेस बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, और वहाँ पे बहुत तेज बच्चे भी होते हैं जिन्होंने पहले से सारी चीज़ें पढ़ रखी होती हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो अभी शुरू करते हैं, वो वहाँ पे मॉरल लेट डाउन फील करते हैं। देखिए कोचिंग इंडस्ट्री में दो टाइप के बच्चे होते हैं, मैं आपको बता दूँ, एक होते हैं बैंकर्स और दूसरे क्या होते हैं गाइस, रैंकर्स। तो जो टीचर्स होते हैं कोचिंग में, बिकॉज दे वॉन्ट रिजल्ट, अल्टीमेटली इस बार का क्या रिजल्ट आएगा, जैसे आप भागे भागे गए हैं वहाँ पढ़ने के लिए, वैसे ही दूसरे बच्चे भी रिजल्ट देख के ही जाएंगे वहां पर पढ़ने के लिए। तो वो जो स्कॉलरशिप दे दे के बहुत जीरो फीस कर देंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट का जिनका उन्हें मालूम है कि अंडर 500 रैंक आने वाली है, उन पे उन्हें मेहनत भी इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो क्या है रैंकर्स हैं।
और बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है वो क्या है, बैंकर्स, उनसे ही कोचिंग चलती है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आपको रैंकर्स बनना है कि आपको बैंकर्स बनना है। बैंकर्स में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, रैंकर्स में आपका सिलेक्शन। इसलिए आपकी बेसिक्स बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो अगर आप जा रहे हैं कोचिंग में तो आप पहले पढ़ के कुछ जाएँ, ठीक है। ये नहीं कि आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे तो वहां आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, बिकॉज दे विल बी सम स्टूडेंट जिनको पहले से बहुत कुछ आता होगा, वो आंसर देते जाएंगे और टीचर उन्हीं के रेफरेंस में पढ़ाता जाएगा। देखिए, उनको लिमिटेड टाइम में कोर्स कंप्लीट करना है और उनको सिलेक्शंस भी दिलाने हैं, तो वो जानते हैं कि किन बच्चों से सिलेक्शन आने वाले। दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट, दिस इज रियलिटी। आप इस बात को माने या ना माने, दिस इज ट्रुथ, दिस इज अगली ट्रुथ। कोई भी कमजोर बच्चे के साथ मेहनत नहीं करना चाहता है। लेकिन जब ऑनलाइन आप पढ़ते हैं तो आपके पास क्या है, आप बार बार रिपीट कर सकते हैं चीज़ों को, आप देख सकते हैं। तो आप दोनों चीज़ों का ब्लेंड करिए। आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही अगर वहाँ पर, तो आप तैयार होके जाइए, आप ऑनलाइन पढ़ाई करके वहाँ पर जाइए, तो आप देखिए आप वहाँ पर क्या कर पाएंगे, आप उनसे बराबर आप चीज़ें कर पाएंगे, तो आप भी रैंकर्स बनेंगे। ठीक है गाइज, बिना पढ़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आप गारंटी मान लीजिए। ठीक है गाइज, तो हम मिलते रहेंगे ऐसे ही, और कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इसके आगे चीज़ें देखेंगे। आप आज ये प्रैक्टिस करिए कि अगर यहाँ पे MG मैंने दे दिया तो आप फटाक से देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा आपको सिनेरियो बहुत जगह मिलेगा। ये थीटा आपको एंगल दिया रहेगा और यहाँ पर ऐसे ब्लॉक बना रहेगा और ऐसे MG फोर्स आप लगाएंगे, तो फटाक से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसे एंगल या थीटा करना है, ये MG है तो ये MG cos थीटा है और ये क्या करना है, बस यही होते हैं रैंकर्स, दे विल डू लाइक दिस। और अब आप बताइए अगर उन्होंने थीटा एंगल ना देख के ये एंगल अल्फा दे दिया तो क्या करेंगे आप, तो देखिए कुछ नहीं, ये अगर अल्फा है तो ये बन गया 90 माइनस अल्फा, क्योंकि क्या है ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90। तो जो कॉस था अब वहाँ पे पहले थीटा लिखा था, अब वहाँ आप 90 माइनस अल्फा कर लीजिए और यहाँ पर भी आप 90 माइनस अल्फा कर लीजिए, ठीक है। ऐसा करने से मैंने आपको बताया कि कॉस और साइन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा। कई बार आप करेंगे तो आप इसको देख के फटाफट इसको लिख लेंगे। आप पैटर्न्स तब बनाते हैं जब आप एक ही चीज को कई बार करते हैं, इसीलिए मैंने कहा आप एक बुक को फॉलो करें, थॉरली फॉलो करें, जब तक ना समझ में आए तब तक उसको जान लगा दें उसमें कि मुझे ये समझना ही है। ठीक है गाइस, ब्रेन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप अगर कोशिश करेंगे तो आपका जरूर से ज़रूर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्टेप बाय स्टेप पेशेंस शो करें, ठीक है, पेशेंस अपने अंदर डेवलप करें, देन यू विल बी गोइंग टू हिट हार्ड। ठीक है, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, अपने दोस्तों को भी बुलाएं, सो दैट कि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर मेरा भी बहुत मन करेगा आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए और आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनेगा। थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।